हे गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया सो गाइज स्टोडी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोलियो मायालाइटिसच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कम इन अंडर टेन और फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं यार बिफोर स्टार्टिंग अगर आप मेको इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो गो थ्रू मेडिको भी एंड ऑन टेलीग्राम मे एम बी बी एस स्टडी ग्रुप वन फॉर द नोट्स तो यार देखें तो इंट्रो की बात करते हैं सबसे पहले तो इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिसीजेज कॉसिंग फ्लासिड पैरालिस ड्यू टू इन्वॉलमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक है दो तरीके के पैरालिस मेनली देखे जाते हैं द फ्लासिड एंड द स्पास्टिक तो यहाँ पर हम फ्लासिड देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इतने स्पेरिकल इन शेप एंड आइकोसाइड्रल समेट्री शो करता है कैप्सिट कम्पोज होते हैं सिक्सटी यूनिट्स से जिसमें से हर एक सब यूनिट के पास फोर वायरल प्रोटीन्स होते हैं वी पी वन टू वी पी फोर इट हैज ए सिंगल स्ट्रेंड आर एन ए विच इज़ लीनियर सेकेंड थिंग अब हम आते हैं एंटीजेनिक टाइप्स में तो दो टाइप्स में लिए देखे गए हैं द वाइल्ड पोलियो वायरस एंड द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरसेस वी डी पी वी के बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी बात करते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के बारे में तो इसके तीन स्ट्रेन्स होते हैं डब्ल्यू पी वी वन डब्ल्यू पी वी टू डब्ल्यू पी वी थ्री ये तीनों के तीनों डिफर करते हैं एक दूसरे से ओनली इन द रीजन ऑफ वी पी वन इम्यून रिस्पॉन्स जो है इनमें क्रॉस रिएक्टिव नहीं है करंटली ऑल पोलियो केसेज आर बिकॉज ऑफ डब्लू पी वी वन डब्लू पी वी टू एंड डब्ल्यू पी वी थ्री आर एरेडिकेटेड पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पोलियो वायरस जो है वो एंटर करेगा थ्रू द फीको ओरल रूट ठीक है ह्यूमन बॉडी थ्रू माउथ एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट अब ये यहाँ पर जाके इंटेस्टाइन में जाएगा वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड आफ्टर डेट क्या करेगा ये इट एंटर्स रीजनल लिम्फ नोट्स रीजनल लिम्फ नोट्स में घुस गया रीजनल लिम्फ नोट्स में घुसने के बाद द स्पिल इंटू द ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इट एंटर इंटू द सेल बाय बाइंडिंग इंटू सी डी वन फिफ्टी फाइव रिसेप्टर ऑफ सेल्स ब्लड स्ट्रीम में आ गया है ना नाव हेमाटोजेनस स्प्रेड होगा आफ्टर दिस इट गोज इंटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉट सोइंग न्यूरल स्प्रेड जहाँ पर ये न्यूरोस को डिस्ट्रॉय करता है विच मेनली अफेक्ट्स द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो कि फाइनल साइट ऑफ एक्शन है न्यूरोन न्यूरोन डीजनरेशन होगा डेथ ऑफ मोटर न्यूरोन अर्लीस्ट चेंज इन इन न्यूरोन इज ऑफ़ द नीजल बॉडी फाइनली विच विल लीड टू फ्लासिड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल तो एंट्री करेगा फिकोरोल रूट से उसके बाद क्या होगा इंटेस्टेन में जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा फिर लिम्फ नोड में जाएगा उसके बाद जाएगा ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद डिफरेंट सेल्स के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर सी डी वन फिफ्टी फाइव ब्लड स्ट्रीम में चला गया उसके बाद ब्रेन एंड न्यूरोस में जाएगा न्यूरोन्स में जाने के बाद इट विल मेनली अफेक्ट द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो कि मेन साइट रहेगी उसके बाद ये डेथ ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी विच विल लीड टू द फ्लासिट पैरालिसिस तो अगर हम देखें तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस इन वन लाइन अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में इनक्यूबेशन पीरियड जो है इसका सेवन टू फोर्टीन डेज है अब इन अपेरेंट इन्फेक्शन जो है वो नाइन्टी वन से नाइन्टी सिक्स परसेंट केसेस में देखे जाते हैं फॉलोइंग इन्फेक्शन मेजोरिटी ऑफ केसेज आर एसिमटोमेटिक अबॉर्टिव इन्फेक्शन जो है वो टेन परसेंट केसेस में देखा जाता है जिसके अंदर हम फीवर देखेंगे मलाइस सोट हॉट माइलजिया हैड एक नोजिया वॉमिटिंग नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस आर सीन इन वन परसेंट ऑफ केसेस पैरालिटिक पोलियोमाइलटिस इज सीन इन लेस दैन वन परसेंट केसेज लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसमें होता क्या है फ्लासिड पैरालसिस देखने को मिलेगा नो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एक्सटेंसर ऑफ द हिप एंड एक्सटेंसर ऑफ नी डोसी फ्लैक्शन ऑफ एंकल

बायफेजिक इन चिल्ड्रन डिसीज प्रोग्रेशन इज बायफेजिक एसेप्टिक मैनेजाइटिस अकर फर्स्ट उसके बाद रिकवरी होगी रिकवरी होने के बाद रिटर्न ऑफ फीवर विथ पैरालिटिक फीचर्स वन टू टू डेज लेटर तो चिल्ड्रंस में बायफेसिक कोर्स देखने को मिलता है एसेप्टिक मैनेजाइटिस पहले होगा उसके बाद रिकवरी होगी एंड अगेन पैरालिटिक फीचर्स देखने को मिलेंगे रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ओल्डेज चिल्ड्रन एंड अडल्स ज़्यादा रिस्क पर हैं प्रेग्नेंट वूमेन Following heavy muscular uh, exercise persons undergoing trauma at the time of CNS symptoms tonsillectomy एस injections. ट्रॉन सेलेक्टोमी आई काफ़ी इजी है इसका सबसे पहला हम देखेंगे वायरस आइसोलेशन तो स्पेसिमेन आप ले सकते हो थ्रोथ स्वैब ट्रैक्टर स्वैब एंड स्टूल सैंपल्स। ट्रांसपोर्ट जरूरी है इसका तुरंत uh, इन इस द फ्रोजन स्पेसिमेन कैप्ट फ्रोजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट सेल लाइन की बात करें तो प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन का यूज किया जाता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर वायरस ग्रोथ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट्स एंटीजन डिटेक्शन डन बाय न्यूट्रलाइजिंग सीरम विध न्यूट्रलाइजिंग सीरम विध स्पेसिफिक एंटी सीरम जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर टाइप है पी सी तो, आर एस से अवेलेबल टू डिटेक्ट वीपी वन एंटीबॉडी डिटेक्शन की बात करें तो आई राइज इन एंटीबॉडी टाइटर कलेक्टेड एट टू कलेक्टेड एट टू वीक्स इंटरवेल इज सजेस्टिव ऑफ पोलियोमाइलाइटिस तो टाइटर अगर इंक्रीज हो रहा है एट वन टू टू वीक्स इंटरवल पर जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सजेस्टिव है कि पोलियोमायलिटिस हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है ऑन फर्स्ट इंग इन्फेक्शन एंटीबॉडी डिटेक्टिव और एंटीजन स्पेसिफिक ठीक है पर अगर सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होंगे तो इंड्यूज एंटीबॉडीज़ जो है वो अगेंस्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन होगी कॉमन टू ऑल थ्री सीरो टाइप्स तो ये डिफ्रेंशिंग नहीं होगी स्पेसिफिक नहीं होगी मोलिकुलर मेथड्स की अगर हम बात करें तो रियल टाइम आर टी पी सी आर जो है अवेलेबल है टू डिटेक्ट एंड डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू पी वी वन फ्राम डब्लू पी वी फ्राम स्टूल एग्जाम स्पेसिमेन एंड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस तो या दिस वॉज ऑल अबाउट पोलियो माइलाइटिस इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोलियो वैक्सीन के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग